गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कंप्यूटर दिस साइड। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ द ताज टावर में, जो कि सेक्टर 104 में लोकेटेड है। यहाँ पर मैं आपको एक 4 BHK का फ्लैट विजिट कराने वाला हूँ, जो कि 2250 स्क्वेयर फिट का है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम द ताज टावर का एक सुंदर सा फ्लैट, जो कि सेक्टर 104 मोहाली में लोकेटेड है। दोस्तों, ये एंट्रेंस है, तकरीबन 10 फुट की एंट्रेंस है, और एंटर करते ही राइट साइड पर यहाँ पर ये गेस्ट रूम दिया गया है, जिसको ये एज ए सर्वेंट रूम यूज़ कर रहे हैं। अटैच रेस्ट रूम, सामने बाबा जी की पिक, बहाने आपको गुरु नानक देव जी के दर्शन भी हो गए। ये सेकंड बेडरूम है, ये रेडी टू मूव यूनिट है। दोस्तों, इसमें फैमिली ऑलरेडी रह रही है, जो ओनर हैं इसके वो इसमें अभी रह रहे हैं। अटैच रेस्ट रूम, और दोस्तों सब तकरीबन सभी रूम्स के साथ अटैच बालकनी है। दूसरे रूम से मैं जाके आपको दिखाऊंगा, ये बेडरूम के साथ भी जॉइंट है, और ये ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, ये वुडवर्क देख सकते हैं दोस्तों। ये किचन है दोस्तों, किचन जो आप सामने देख रहे हैं इसमें इतनी थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये एक्सटेंड किया हुआ है, एक्सटेंड किचन मिलती है आपको इसमें। और जितना भी आप सामने वुड वर्क का काम देख रहे हैं ये बाद में कराया गया है, क्योंकि कंपनी की तरफ से फ्लैट जो था वो रॉ मिला था, तो ये सब काम आपको इसमें ऑलरेडी मिलेगा किया हुआ। थर्ड बेडरूम विद वुडन फ्लोरिंग, सीलिंग आपको मिलती है, LED पैनल इसमें लगे हुए हैं, अटैच बालकनी। और ये देखिए दोस्तों, ग्रीनरी, ये जो कि जबकि फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है, तो यहाँ से आपको व्यू बड़ा अच्छा आता है। सामने आपको बच्चे खेलते हुए आपको शाम को दिखाई देते हैं, ग्रीन एरिया काफ़ी है। दोस्तों, ये वॉल्यूम 370s का सॉन्ग चल रहा है, जो कि जो मैम है इनके फेवरेट सॉन्ग हैं, ओल्ड सॉन्ग। और यहाँ पे ब्यूटीफुल सा टेंपल बनाया गया है, अगेन बाबा जी की पिक। और ये है फोर्थ बेडरूम, जो कि मास्टर बेडरूम है, विद वुडन फ्लोरिंग आपको मिलता है, यूज बेडरूम। LED पैनल, सीलिंग सभी बेडरूम्स में है, अटैच बालकनी है, रेस्ट रूम विद ड्रेसिंग एरिया, रेस्ट रूम काफी बड़ा है।
तो दोस्तों फ्लैट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप यहाँ पर ये फ्लैट बाय करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कई बार कई लोग भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।